पार्टी ने राष्ट्र का निर्माण किया है, ये भाजपा तो केवल अपनी पार्टी की निर्माण करने जानती है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता और जिसका एक एक नेता, चाहे इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रही हो, रहे हो, इस देश की माटी को सिंचित अपने खून से किया है तो केवल कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता ने किया है। तो हमें मुट्ठी बनकर इस भाजपा का सामना करना होगा। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लाल किले पर भी लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। वही एक विश्वास मन में रखकर सड़क पर हमें निकलना होगा और कांग्रेस को दोबारा स्थापित करना होगा। अंत में मैं दो लाइन आपको अर्पित करना चाहता हूं कि आंधियों का जिद है बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहां आशियां बनाने की। और राहुल जी ये आपके शब्द है, राहुल जी ये आपके शब्द है कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। असूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो दो दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी।